एवरीवन, अगर आपको हमेशा कुछ मीठा खाने का मन करता है तो कुछ अनहेल्दी खाने से अच्छा आप मेरी अंजीर के खीर की रेसिपी को जरूर ट्राई करें। अंजीर की खीर आप बहुत आसानी से बना सकते हैं और ये बहुत ही हेल्दी होती है, क्योंकि हम इसमें बहुत सारा अंजीर यानी फिग जो यूज करने वाले हैं। और आप सभी को तो इसके फायदे जरूर पता होंगे, तो चलिए देखते हैं अंजीर के खीर को बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले चावल का खीर बना लेते हैं। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई लिया है जिसमें हमें डालना है आधा से एक टेबल स्पून के करीब घी, और फिर इसमें तुरंत डालेंगे 1 लीटर यानी 4 कप दूध। दूध आप फुल फैट या स्किम्ड कोई सा भी यूज कर सकते हैं इसे बनाने के लिए। दूध को पहले हमें अच्छे से उबाल लेना है। इसे हमें मीडियम फ्लेम पर उबालना है करीब 5 से 7 मिनट के लिए। 5 से 7 मिनट हो गए हैं दूध को उबलते हुए। अब फ्लेम को लो पे कर लेंगे और इसमें डालेंगे 1/4 कप चावल। चावल को मैंने अच्छे से धोकर 30 मिनट के लिए पानी में सोख करके रख लिया था पहले ही। ऐसा करने से चावल जो है वो जल्दी कुक होती है। हमें लो फ्लेम पर चावल और दूध को बीच बीच में लगातार चलाते हुए चावल को पका लेना है। अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून केसर का पानी। इसे बनाने के लिए मैंने 8 से 10 केसर के स्ट्रैंड्स को 15 मिनट के लिए 1 टेबल स्पून के करीब गर्म पानी में सोख करके रख लिया था। आप चाहे तो केसर को गर्म दूध में भी 15 मिनट सोख करके यूज कर सकते हैं। केसर अच्छे से दूध और चावल के साथ मिल चुकी है, तो अब इसे हमें 15 से 20 मिनट के लिए पका लेना है लो फ्लेम पर। ऐसा करने से खीर गाढ़ी और क्रीमी बनती है। 15 मिनट इसे पकते हुए हो गए हैं, तो अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर और इसे अच्छे से मिला लेंगे। दूध अभी गाढ़ी नहीं हुई है, तो फ्लेम को मीडियम पे करके इसे हमें और 5 मिनट के लिए थोड़ा गाढ़ा होने तक पका लेना है। चावल और दूध को पकते हुए पूरे 20 मिनट हो गए हैं, तो अब इसमें डालेंगे 1/2 कप के करीब चीनी और चीनी को अच्छे से इसमें मिला लेंगे। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। चीनी जब घुलती है तो इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली हो जाती है, तो इसे हमें कुछ मिनट के लिए और पका लेना है। अब इसमें डालेंगे ड्राइड अंजीर का पेस्ट और पेस्ट को अच्छे से खीर के साथ मिला लेंगे। अंजीर का पेस्ट बनाने के लिए मैंने 12 से 15 अंजीर को अच्छे से धोकर 3 घंटे के लिए साफ पानी में सोख कर लिया था, और जिस पानी में मैंने अंजीर सोख किया था उसी पानी का 2 से 3 टेबलस्पून यूज करके इसका फाइन पेस्ट बना लिया था कुछ इस तरह से। अंजीर को लो फ्लेम पर हमें 3 से 4 मिनट के लिए चावल और दूध के साथ इसे अच्छे से मिलाते हुए पका लेना है। 3 से 4 मिनट के बाद आप देख सकते हैं खीर का रंग कितना बढ़िया आया है और इसकी खुशबू भी बहुत टेम्पटिंग आ रही है। तो बनकर रेडी है ये बहुत ही हेल्दी अंजीर की खीर। इसे आप सर्व करने के पहले 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखें और फिर इसे सर्व करें। ये ठंडी बहुत अच्छी लगती है खाने में। अंजीर की खीर मेरे तरीके से जरूर बनाकर ट्राई करें, और अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल फूड अपबीट्स को। थैंक यू, टेक केयर।